द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो तमाम पिरामिडों के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है, उसके अंदर अभी तक दो हिडन चेंबर तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चेंबर और दूसरे को क्वींस चेंबर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चेंबर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट यह देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये एक छोटा सा जगह है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद यह रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त यह ताबूत रखा गया था। उसके बाद चेंबर को सील करके सिर्फ ये एक छोटा सा सुराग छोड़ा गया। कौन थे वे लोग? आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई थ्योरी निकलती रही। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियन आए थे जो यह पिरामिड बनाकर वापस चले गए, लेकिन एक्सपर्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरी रिजेक्ट कर दिया। एक्सपर्ट ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन को रिसर्च किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोर भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने ये पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। पिरामिड बनाने का मकसद। पिरामिड के रहस्य अब सुलझने शुरू हो चुके थे। एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई राजों को फास कर दिया, लेकिन कई राज अभी भी थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चेंबर का आखिर कोई तो मकसद रहा होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई खास मकसद भी था। इस खास मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से रिसर्चर्स से मदद ली गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपने फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उनको इन पिरामिड में दफनाया जाएगा। जो पिरामिड की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा, और यही शायद उनका बिलीव था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। आखिर क्या देखने को मिला पिरामिड्स के अंदर? 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई जिसमें मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चेंबर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चेंबर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वह सीक्रेट चेंबर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चेंबर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोट कैमरा तैयार करवाया गया जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक वॉल था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर वाल के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने उस वॉल में बारीक छेद कर दिया
इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरे ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का वॉल मौजूद था, लेकिन जब कैमरा एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जो काफी अजीब था। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास किस्म के अल्फाबेट लिखे गए थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट को ये लिखाई समझ आई और ना ही इसका मकसद समझ आया, लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरी वॉल के उस पार जरूर एक सीक्रेट मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। दोस्तों, उम्मीद है ये एपिसोड आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।